हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो के साथ, जो कि वोकैब बेस्ड है। पिछला वीडियो जो आपने देखा था वो था शॉर्ट फ्रेजेस को लेकर के, जिसमें हम बच्चों को कैसे स्पोकन के ऊपर मोटिवेशन उनको दे सकते हैं। अब बात ये है कि जब तक आपके पास वोकैब नहीं है, शब्द नहीं है, तब तक आप इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अब आने वाले जो वीडियोस है वो वोकैब को लेकर के रहेंगे, साथ में उनका मीनिंग और मीनिंग के साथ साथ सेंटेंस मेकिंग हाथों हाथ, जिससे कि आप ये जान सकें कि जो शब्द है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, उसका मीनिंग क्या है, और डेली यूज या रूटीन के ये वर्ड्स रहेंगे जिससे आप खुद कॉन्फिडेंट होकर के स्पोकन में इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई एज बाउंडेशन नहीं है, और ईमानदारी से अगर वीडियो को पूरा देख करके आप इन सेंटेंसेस को लिख भी लेते हैं, इन वर्ड्स को लिख भी लेते हैं, तो श्योर है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि धीरे धीरे करके फ्लुएंसी के साथ में स्पोकन कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि ये ना रहे कि अधूरा ज्ञान, आपको पता है हानिकारक रहता है। तो जब वीडियो पूरा देखेंगे, ये 100 वर्ड्स क्या आने वाले वीडियोस में और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स आपको धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूंगा कि डेली रूटीन से रिलेटेड वर्ड्स आपको मिले, जिससे आप अपनी वोकैब को भी इंप्रूव करें और फ्लुएंसी के साथ में स्पोकन भी कर सकें। तो हमारा जो ये वीडियो है वो आज 100 मोस्ट यूजफुल डेली यूज वर्ड्स के ऊपर है, मीन्स वोकैब बेस्ड है, जिसमें आपको वर्ड मिलेगा, उसका मीनिंग मिलेगा और सेंटेंस, जिससे हम फ्लुएंटली स्पोकन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो पर, ध्यान से देखें, हो सके तो इसको कॉपी भी कर लें, ठीक है ना? एग्जाम्पल, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। The way to a man's heart is through his stomach. यानी एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है, through his stomach, यानी पेट के माध्यम से या फिर पेट के जरिए। Next word है आज का दो। दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, भले ही या फिर भी। Example, though she is almost 40, she still looks young. Though she is almost 40, she still looks young. यानी हालांकि वो लगभग 40 साल की है, फिर भी वो जवान दिखती है। Next word है आज का subtle. Subtle का मतलब होता है सूक्ष्म, कोमल, हल्का, सुंदर या फिर तीव्र बुद्धि। ये उसके अलग अलग मीनिंग है। सटल का मतलब सूक्ष्म या हल्का तो होता ही है, कोमल और सुंदर भी एक मीनिंग है, और तेज बुद्धि वाले को भी हम सटल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द रूम वॉज पेंटेड विद अ सटल शेड ऑफ पिंक। द रूम वॉज पेंटेड विद अ सटल शेड ऑफ पिंक, यानी रूम यानी कमरा हल्के गुलाबी रंग से रंगा गया था, सटल शेड ऑफ पिंक। नेक्स्ट वर्ड है आज का ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान या फिर के समय में। एग्जाम्पल, द स्किन गेट्स ड्राई ड्यूरिंग द विंटर्स। द स्किन गेट्स ड्राई ड्यूरिंग द विंटर्स, यानी सर्दियों के दौरान त्वचा शुष्क हो जाती है या फिर त्वचा स्किन ड्राई हो जाती है। द स्किन गेट्स ड्राई ड्यूरिंग द विंटर्स। नेक्स्ट वर्ड है यूनैनिमसली। यूनैनिमसली का मतलब होता है एक मत से या फिर सर्वसम्मति से या फिर निर्विवादित, यानी जब बहुत सारे लोग एक ही सुर में एक ही बात कहे उसे हम यूनैनिमसली बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन सपोर्टेड हिम यूनैनिमसली। Everyone supported him unanimously, यानी सभी ने उनका सर्वसम्मति से समर्थन किया, यानी सबने एक मत से उसका साथ दिया। नेक्स्ट वर्ड है cause. Cause का मतलब होता है कारण, कारण बनाना या फिर कारण पैदा करना, यानी कारण या रीजन क्रिएट करना। एग्जाम्पल देखिए, I don't want to cause you trouble, यानी मैं आपकी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेट अवे। स्ट्रेट अवे का मतलब होता है तुरंत, झटपट या फिर शीघ्र।
Example, we need to start work straight away. We need to start work straight away. यानी हमें तुरंत काम करने की जरूरत है. We need to start work straight away. तुरंत. Next word है sufficient. Sufficient का मतलब होता है पर्याप्त या फिर काफी. Sentence, we don't have sufficient time for exam preparation. We don't have sufficient time for exam preparation. यानी हमारे पास परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं है. Sufficient time नहीं है. Next word है another. Another का मतलब होता है एक अन्य, दूसरा कोई या फिर कोई दूसरा. यानी जब आप एक के अलावा किसी और, किसी दूसरे की बात करते हैं तब आप another use करते हैं. जब बहुत सारे होते हैं तब हम others बोलते हैं, but एक के अलावा दूसरा तब हम another बोलते हैं. Example देखिए, the patient was transferred to another hospital. The patient was transferred to another hospital. यानी मरीज को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है, यानी एक अस्पताल के अलावा दूसरे अस्पताल में. Next word है आज का outfit. Outfit का मतलब होता है पोशाक, परिधान, सामग्री या फिर सजावट. सजावट को भी आउटफिट बोला जाता है. पोशाक और परिधान तो होता ही है. एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज वियरिंग एन एक्सपेंसिव न्यू आउटफिट. शी वॉज वियरिंग एन एक्सपेंसिव न्यू आउटफिट. यानी उसने एक महंगा नया पोशाक, नया ड्रेस पहना हुआ था, नया आउटफिट पहना हुआ था. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है आउटबर्स्ट. आउटबर्स्ट का मतलब होता है आवेग या बहुत अचानक से तेज गुस्सा या फिर विस्फोट. जब आप किसी बात पर बहुत गुस्से से अचानक से रिएक्ट करते हैं उसे हम आउटबर्स्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए, ही लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर हिज आउटबर्स्ट. यानी बाद में उन्होंने अपने आवेग यानी अचानक गुस्से के लिए माफी मांगी. नेक्स्ट वर्ड है आउटकम. आउटकम का मतलब होता है परिणाम या फिर नतीजा. एग्जाम्पल, What was the outcome of your meeting? यानी आपकी बैठक या फिर मीटिंग का परिणाम क्या था, उसका आउटकम क्या था. नेक्स्ट वर्ड है आउटडेटेड. आउटडेटेड का मतलब होता है पुराने ढंग का, पुराना या फिर अप्रचलित. एग्जाम्पल, इट इज एन आउटडेटेड मशीन. यानी ये एक पुरानी मशीन है. नेक्स्ट वर्ड है आउट ऑफ डेट. आउट ऑफ डेट का मतलब भी वही होता है, पुराने ढंग का, पुराना या फिर अप्रचलित. Example, the school's textbooks are out of date. यानी स्कूल की पाठ्य पुस्तकें या टेक्स्ट बुक्स पुरानी है. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है आउटिंग. आउटिंग का मतलब होता है सैर करना बाहर या फिर पिकनिक, उसको हम आउटिंग बोलते हैं. एग्जाम्पल, they are planning for an outing. यानी वो एक पिकनिक या फिर बाहर सैर की योजना बना रहे हैं. दे आर प्लानिंग फॉर एन आउटिंग. नेक्स्ट वर्ड है आउटलुक. आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण या फिर नजरिया. एग्जाम्पल, she has an optimistic outlook for the future. यानी भविष्य के लिए उसका एक आशावादी दृष्टिकोण है. नेक्स्ट वर्ड है आउटपुट. आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन, उत्पाद या फिर पैदावार. एग्जाम्पल, the total output of the company is double than the last year. यानी कंपनी का जो टोटल उत्पादन है, कुल उत्पादन है, इज डबल देन द लास्ट ईयर, पिछले साल के मुकाबले दोगुना है. नेक्स्ट वर्ड है आउटरेज. आउटरेज का मतलब होता है नाराजगी या फिर अत्याचार या फिर आक्रोश, बहुत तेज गुस्सा, उसको हम आउटरेज बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए, the news of his arrest caused public outrage. यानी उनकी गिरफ्तारी की खबर से लोगों में आक्रोश फैल गया. नेक्स्ट वर्ड है आउटस्पोकन. आउटस्पोकन का मतलब होता है स्पष्टवादी, स्पष्ट वक्ता, मुखर या फिर सीधे साफ बात करने वाला. एग्जाम्पल देखिए, ही इज एन आउटस्पोकन पर्सन एंड ऑलवेज स्पीक्स हिज हार्ट आउट. ही इज एन आउटस्पोकन पर्सन, यानी वो एक स्पष्टवादी व्यक्ति है, एंड ऑलवेज स्पीक्स हिज हार्ट आउट, और हमेशा अपने दिल की बात कहता है. नेक्स्ट वर्ड है ऑल्दो. ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, भले ही या फिर बहरहाल. तो दो एंड ऑल्दो दोनों सेम वर्ड्स हैं, इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे के जगह पे यूज हो सकते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. ऑलराइट, एग्जांपल देखिए ऑल्दो का. ऑल्दो शी इज यंग, शी इज वेरी इंडिपेंडेंट.
although she is young, she is very independent. यानी हालांकि वो युवा है, वो बहुत स्वतंत्र है. Although she is young, हालांकि वो युवा है, वो बहुत स्वतंत्र है. Next word है at least. At least का मतलब होता है कम से कम. Example, it will take you at least 20 minutes to get there. It will take you at least 20 minutes to get there. यानी वहाँ पहुँचने में आपको कम से कम 20 मिनट लगेंगे. Next word है rather. Rather का मतलब होता है कुछ हद तक या फिर कुछ कुछ या बल्कि या जब आप दो चीज़ों की तुलना करते हैं तब भी आप rather का यूज़ करते हैं. तो ये rather के दो मीनिंग्स हैं. एग्जांपल देखिए, His behavior is sometimes rather rough. His behavior is sometimes rather rough. यानी उसका व्यवहार कभी कभी उग्र होता है. तो कुछ कुछ या कुछ हद तक या कभी कभी एक मीनिंग हुआ rather का. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, He would rather play than work. He would rather play than work. यानी वो काम के बजाय खेलेंगे. तो यहाँ पे तुलना हुई है दो चीज़ों की. नेक्स्ट वर्ड है अटायर. अटायर का मतलब होता है वस्त्र, पोशाक, परिधान या फिर पहनावा. एग्जाम्पल, यस्टरडे ही केम ऑफिस इन फॉर्मल अटायर. यस्टरडे ही केम ऑफिस इन फॉर्मल अटायर. यानी कल वो औपचारिक पोशाक में कार्यालय आए. फॉर्मल अटायर यानी ऑफिस के अटायर, ऑफिस के कपड़ों में. नेक्स्ट वर्ड है नेवरदलेस. नेवरदलेस का मतलब होता है के बावजूद, फिर भी, तब भी या फिर ऐसा होने पर भी. एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी टायर्ड, नेवरदलेस ही वेंट ऑन वॉकिंग. He was very tired. यानी वो बहुत थका हुआ था. Nevertheless, फिर भी he went on walking. यानी वो फिर भी चलता रहा. Next word है pamper. Pamper का मतलब होता है बहुत लाड़ प्यार करना, सिर चढ़ाना या फिर संतुष्ट करना. Example, mothers often pamper their sons. Mothers often pamper their sons. यानी माताएं अक्सर अपने बेटों को लाड़ करती हैं या फिर उन्हें सर चढ़ा देती हैं. नेक्स्ट वर्ड है मीन. मीन का मतलब होता है मतलब होना, आशय होना या मायने रखना. या इसका एक और मीनिंग होता है नीच या फिर घटिया. एग्जाम्पल देखिए, आई डिडंट मीन टू हार्म यू. आई डिड नॉट मीन टू हार्म यू. यानी मेरा मतलब आपको नुकसान पहुंचाना नहीं था. या फिर जब आप ऐसा बोलते हैं यू आर सो मीन, इसका मतलब आप बहुत घटिया हैं. तो यहाँ पर मीन का मतलब घटिया होता है. तो मीन के दो मीनिंग्स होते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है दस. दस का मतलब होता है इस प्रकार, इसलिए या फिर लिहाजा. एग्जाम्पल, ही डिडंट वर्क हार्ड, दस ही वॉज फायर्ड. He didn't work hard. He did not work hard. यानी उसने कड़ी मेहनत नहीं की. Thus, इसीलिए he was fired. इसीलिए उसे निकाल दिया गया. Next word है perhaps. Perhaps का मतलब होता है शायद, संभवतः, कदाचित या फिर हो सकता है. Perhaps, alright? Example देखिए, perhaps the weather will change this evening. Perhaps the weather will change this evening. यानी शायद आज शाम को मौसम बदल जाएगा. Next word है provide. Provide का मतलब होता है प्रदान करना, मुहैया कराना या फिर भरण पोषण करना. Alright? Example देखिए, the new job will provide you with invaluable experience. The new job will provide you with invaluable experience. यानी नई नौकरी आपको अमूल्य अनुभव प्रदान करेगी. Will provide you invaluable experience. Next word है either या फिर either. हम इसको either या either दोनों पढ़ सकते हैं. इसका मतलब होता है दोनों में से एक, या ये या फिर वो. और either का next meaning होता है भी. Alright, example देखिए, a door must be either shut or open. A door must be either shut or open. यानी एक दरवाज़ा या तो बंद होना चाहिए या फिर खुला होना चाहिए. Next word है neither. Neither या फिर neither, इसको दोनों पढ़ा जा सकता है. Neither का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, या दोनों में से कोई भी नहीं या फिर भी नहीं. Example देखिए, neither of them is employed. Neither of them is employed. यानी दोनों में से कोई भी employed नहीं है, दोनों में से कोई भी कार्यरत नहीं है. अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next word जो कि है ever. Ever का मतलब होता है हमेशा, सदा, निरंतर या किसी भी समय या फिर कभी भी. Example देखिए, nobody has ever solved this problem. Nobody has ever solved this problem. इसका मतलब किसी ने भी कभी इस समस्या का समाधान नहीं निकाला. Nobody has ever solved this problem. कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं निकला है. Next word है economic.
इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, यानी जो पैसे से संबंधित होता है उसे हम इकोनॉमिक बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, इंडिया इज गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस। नेक्स्ट वर्ड है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, बाहरी या फिर ऊपरी, यानी ऊपर ऊपर का, उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ अ सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यानी उसे इस विषय का सतही ज्ञान है, ऊपर ऊपर का नॉलेज है, सुपरफिशियल। नेक्स्ट वर्ड है वेरियस। वेरियस का मतलब होता है अनेक, विभिन्न या फिर कई तरह का। एग्जाम्पल, ही अर्न्स मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी वो विभिन्न स्रोतों से पैसा कमाता है, यानी अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग तरीकों से पैसा कमाता है। नेक्स्ट वर्ड है जेस्चर। जेस्चर काफ़ी यूजफुल और बोलचाल वाला वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है इंग्लिश में। जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव, इशारा या फिर भाव प्रदर्शन। जैसे किसी ने आपकी हेल्प की तो आप थैंक यू बोलने के बजाय ऐसे स्माइल करके, झुक के रिएक्ट करें, तो ये आपका जेस्चर हुआ थैंक यू बोलने का। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए, The invitation was meant as a friendly gesture, यानी निमंत्रण का मतलब एक दोस्ताना इशारे के रूप में था। Next word है require। Require का मतलब होता है जरूरत होना, आदेश देना या फिर अपेक्षा करना। Example देखिए require का, Even great musicians require constant practice, यानी यहाँ तक कि महान संगीतकारों को भी कांस्टेंट अभ्यास यानी कांस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वर्ड है पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, इरादा या फिर मतलब। एग्जांपल, What's your purpose in doing that? यानी ऐसा करने में आपका उद्देश्य क्या है या ऐसा करने का आपका पर्पस क्या है। तो पर्पस का मतलब हुआ उद्देश्य या फिर इरादा। नेक्स्ट वर्ड है बेसिस। बेसिस का मतलब होता है आधार, बुनियाद, नींव या फिर मूलाधार। एग्जाम्पल देखिए, What's the basis of your opinion? यानी आपकी राय का आधार क्या है, यानी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आपकी ओपिनियन का बेसिस क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एंटायर। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, तमाम, सारा या फिर सब। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ स्पेंट हिज एंटायर लाइफ इन इंडिया एज अ डॉक्टर, यानी उन्होंने अपना पूरा जीवन, एंटायर लाइफ, भारत में एक डॉक्टर के रूप में बिताई है। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित करना या फिर इंतजाम करना, बंदोबस्त करना या फिर सुव्यवस्थित करना। एग्जाम्पल देखिए, ही ऑर्गेनाइज्ड अ नाइस पार्टी, यानी उन्होंने एक अच्छी पार्टी का आयोजन किया। नेक्स्ट वर्ड है डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान या फिर रवानगी, और इसका एक और मीनिंग होता है मौत या फिर मृत्यु। एग्जाम्पल देखिए, The approximate date of his departure is next month. इसका मतलब उनके जाने की अनुमानित तारीख अगले महीने, यानी उनके प्रस्थान की या रवानगी की जो एक्सपेक्टेड या अप्रॉक्सीमेट डेट है वो नेक्स्ट मंथ है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है कंसिडर। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, गौर करना, लिहाज करना या फिर मानना। एग्जाम्पल, I consider myself very fortunate to have this opportunity, यानी मैं खुद को इस अवसर के लिए बहुत भाग्यशाली कंसिडर करता हूँ या फिर बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है therefore का मतलब होता है इसीलिए, लिहाजा या फिर इस वजह से। एग्जाम्पल, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, यानी उसने अपना पैर तोड़ दिया है या फिर उसका पैर टूट गया है, एंड देयरफॉर ही कांट वॉक, और इसीलिए वो नहीं चल सकता। नेक्स्ट वर्ड है प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, परेशानी या फिर जोर। एग्जाम्पल, ही इज़ अंडर ह्यूज प्रेशर एट वर्क, यानी वो काम के दबाव में है, ही इज़ अंडर ह्यूज प्रेशर। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब होता है के साथ, सहित या फिर को मिलाते हुए। एग्जाम्पल, ऑल ऑन द प्लेन आर किल्ड इंक्लूडिंग द पायलट।
ऑल ऑन द प्लेन आर किल्ड, यानी विमान में सभी मारे गए हैं, इंक्लूडिंग द पायलट, पायलट को इंक्लूड करते हुए, उसके सहित पायलट को मिलाते हुए, विमान में सभी पायलट सहित मारे गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है व्हाटएवर। व्हाटएवर का मतलब होता है जो कुछ भी या जो भी, कुछ भी या जो जो, जितना, सब कुछ। तो लगभग सभी का एक ही मीनिंग है, तो व्हाटएवर का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ जो कुछ भी। एग्जाम्पल देखिए, व्हाटएवर यू डू ट्राई योर बेस्ट, व्हाटएवर यू डू ट्राई योर बेस्ट, यानी आप जो भी करें, व्हाटएवर यू डू, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। नेक्स्ट वर्ड है एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है कोशिश, प्रयास या फिर मेहनत। एग्जाम्पल, यू शुड पुट मोर एफर्ट इन टू योर वर्क, यू शुड पुट मोर एफर्ट इन टू योर वर्क, यानी आपको अपने काम में अधिक प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, परवाह या फिर तवज्जो। एग्जाम्पल, डोंट पे एनी अटेंशन टू व्हाट दे से, यानी वे क्या कहते हैं इस पर कोई ध्यान मत दो, उस पर कोई अटेंशन पे मत करो, उसे कोई अटेंशन उस बात पर मत दो। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, संभवतः या फिर मुमकिन है। एग्जाम्पल, शी इज प्रोबेबली इन हर अर्ली फोर्टीज, शी इज प्रोबेबली इन हर अर्ली फोर्टीज, यानी वो शायद अपने शुरुआती 40वें वर्ष में है, यानी वो लगभग शुरुआती 40वें वर्ष में, 41, 42 इस तरीके से उसकी एज है, तो प्रोबेबली शायद। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ, कोई बात या फिर कोई चीज़, समथिंग। एग्जाम्पल, मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग, मनी समथिंग बट नॉट एवरीथिंग, यानी पैसा कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी या कोई भी चीज़ या कोई भी बात। एग्जाम्पल, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टूडे, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टूडे, यानी आज कुछ भी करने का मेरा मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टूडे। नेक्स्ट वर्ड है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है के बजाय, के बदले, की जगह या फिर के स्थान पर। एग्जाम्पल देखिए, देर इज नो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं है, देर इज नो कॉफ़ी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी इंस्टेड, क्या आप इसके बजाय एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। तो इंस्टेड का यूज़ होता है एक के बजाय दूसरा बोलने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद या फिर के होते हुए। एग्जाम्पल, आई एंजॉयड द पार्टी डिस्पाइट द बैड वेदर, आई एंजॉयड द पार्टी डिस्पाइट द बैड वेदर, यानी मैंने खराब मौसम के बावजूद पार्टी का आनंद लिया, डिस्पाइट द बैड वेदर, खराब मौसम के बावजूद। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्ट। सॉर्ट के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, तो पहला मीनिंग होता है तरह या किस्म या फिर प्रकार, यानी सॉर्ट, किसी भी तरह का हम बोलने के लिए बोलते हैं सॉर्ट, या इसका एक और मीनिंग होता है छांटना या फिर क्रम में अलग अलग करना, यानी उसको सॉर्ट करना, सुलझाना, क्रम में लगाना, छांटना, उसको हम सॉर्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए सॉर्ट के ऊपर, शी इज़ वेरी डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ अ वूमन, शी इज़ अ वेरी डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ अ वूमन, यानी वो बहुत घरेलू किस्म की महिला है। तो यहाँ पे सॉर्ट का यूज़ हो रहा है तरह या फिर किस्म बताने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आज का बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है से बाहर, से ऊपर या के परे, के आगे, किसी चीज़ के बियॉन्ड, किसी से परे, किसी चीज़ के आगे। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजिंग द होल इवेंट इज बियॉन्ड हिज केपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग द होल इवेंट इज बियॉन्ड हिज केपेबिलिटी, यानी पूरे कार्यक्रम का आयोजन उसकी क्षमता से परे है, बियॉन्ड हिज केपेबिलिटी, उसकी क्षमता से दूर है, उसके ऊपर है। नेक्स्ट वर्ड है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है लगना या दिखाई पड़ना, जान पड़ना या प्रतीत होना, कुछ चीज दिखाई पड़ना को हम अपीयर होना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, टॉक ऑफ द डेविल एंड ही विल अपीयर, टॉक ऑफ द डेविल एंड ही विल अपीयर, यानी शैतान की बात करो और वो अपीयर हो जाएगा और वो प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है शर्तें या फिर संबंध, इसके दोनों मीनिंग होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, यानी हमारे बातचीत करने वाले संबंध नहीं है, हमारे वैसे टर्म्स नहीं है, और टर्म्स का मतलब शर्तें तो होता ही है, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस वैसा वाला। नेक्स्ट वर्ड है रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, मजहबी या फिर धर्मात्मा। एग्जाम्पल, ही इज अ वेरी रिलीजियस पर्सन हु गोज टू चर्च एवरी संडे, ही इज अ वेरी रिलीजियस पर्सन, यानी वो एक बहुत धार्मिक व्यक्ति है, हु गोज टू चर्च एवरी डे, जो हर रविवार को चर्च जाता है।
नेक्स्ट वर्ड है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी या फिर वहमी। जो धर्म को माने उसको हम रिलीजियस बोलते हैं, बट जो किसी चीज में अंधविश्वास रखे, अंधभक्ति करे, उसे हम सुपरस्टिशियस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, I'm superstitious about the number 13, यानी मैं 13 नंबर को लेके अंधविश्वासी हूँ। नेक्स्ट वर्ड है इंडीड। इंडीड का मतलब होता है सच में, वाकई, निसंदेह या फिर सचमुच। एग्जाम्पल, I was indeed very glad to hear the news, यानी मैं वास्तव में वो खबर सुनकर बहुत खुश था। I was indeed very happy या indeed very glad। नेक्स्ट वर्ड है likely। likely का मतलब होता है संभावित होना या होने योग्य या संभावित। likely मतलब किसी चीज की संभावना होना। एग्जाम्पल देखिए, I will likely be at home all day, यानी संभावित है, यानी ऐसी संभावना है कि मैं पूरे दिन घर पर रहूँगा। नेक्स्ट वर्ड है suddenly। suddenly का मतलब होता है अचानक, एकाएक या फिर अकस्मात। एग्जाम्पल, the temperature suddenly dropped to zero, यानी तापमान अचानक शून्य हो गया, suddenly dropped to zero। नेक्स्ट वर्ड है moral। moral का मतलब होता है नैतिकता, सीख या फिर सदाचरण। एग्जाम्पल देखिए, He turns every subject into a moral discussion, यानी वो हर विषय को एक नैतिक चर्चा में बदल देता है। नैतिक मतलब क्या सही है क्या नहीं, उसको हम बोलते हैं नैतिकता। नेक्स्ट वर्ड है determine। determine का मतलब होता है तय करना या पक्का कर लेना, ठान लेना या फिर निर्धारित कर लेना, उसको हम बोलते हैं determine। एग्जाम्पल देखिए, You should determine what is right for you, यानी तुम्हें ये निर्धारित करना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा या फिर प्रतिज्ञा। एग्जाम्पल, she is full of determination to achieve her goals, यानी वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प से भरी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, प्रभावशाली, असरदार या फिर कारगर। एग्जाम्पल, टेलीविजन इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी टेलीविजन संचार का एक प्रभावी साधन है, इफेक्टिव मीन्स है। नेक्स्ट वर्ड है इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना या फिर संयुक्त करना, यानी मिलाना, उसको हम इन्वॉल्व करना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल, यानी दूसरे लोगों को अपनी मुसीबत या अपनी परेशानी में शामिल मत करो। डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल, अपनी परेशानी में अन्य लोगों को शामिल ना करें। नेक्स्ट वर्ड है नियरली। नियरली का मतलब होता है लगभग, तकरीबन या फिर करीब करीब। एग्जाम्पल, It took nearly two hours to get here, यानी यहाँ पहुँचने में लगभग दो घंटे लग गए। Nearly two hours, लगभग दो घंटे या तकरीबन दो घंटे। नेक्स्ट वर्ड है usual। usual का मतलब होता है हमेशा का, सामान्य या फिर आम। एग्जाम्पल, she has woken up even earlier than usual, यानी हमेशा से या वो सामान्य से भी पहले जाग गई है। She has woken up even earlier than usual, हमेशा से भी पहले। Next word है feed। feed का मतलब होता है खाना खिलाना या खाना, उसको सिंपली खाने को भी हम feed बोलते हैं, या खिलाना उसको feed बोलते हैं, and पालन पोषण करना भी feed होता है। Example देखिए, She has a large family to feed, यानी उसे खिलाने के लिए एक बड़ा परिवार है, यानी पालन पोषण के लिए उसके पास एक बहुत बड़ा परिवार है। नेक्स्ट वर्ड है एसोसिएट। एसोसिएट के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है साथी या सहयोगी, यानी जो आपके साथ में काम करे उसको हम एसोसिएट बोलते हैं। और इसका एक और मीनिंग होता है संयुक्त या संगत करना या मिलना या मिलाना, यानी साथ में जोड़ना, उसको हम एसोसिएट करना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, I don't like the people you associate with, यानी आपसे मिलने जुलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, यानी जो लोग आपसे एसोसिएट करते हैं, जो आपसे मिलते जुलते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। तो एसोसिएट के ऐसे दो डिफरेंट मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है मिलाना
जोड़ना, मिश्रण करना या फिर संगठित करना. एग्जाम्पल, द टू कंपनीज विल कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी. द टू कंपनीज विल कंबाइन यानी दो कंपनियां आपस में जुड़ेंगी, दोनों मिलेंगी टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी, एक नई इकाई बनाने के लिए. नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस. एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी या फिर अभिलाषी, यानी जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं हो उसे हम एम्बिशियस बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ अ हाईली एम्बिशियस वूमन. शी इज़ अ हाईली एम्बिशियस वूमन यानी वो एक अति महत्वाकांक्षी महिला है. नेक्स्ट वर्ड है सेंटिमेंट. सेंटिमेंट का मतलब होता है भाव या फिर भावुकता या विचार, और मत या बुद्धि को भी हम सेंटिमेंट बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए, देर इज नो रूम फॉर सेंटिमेंट इन बिजनेस. देर इज नो रूम फॉर सेंटिमेंट इन बिजनेस यानी व्यापार में भावना के लिए कोई जगह नहीं है. नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न. कंसर्न का मतलब होता है चिंता, मामला, सोच, मतलब, वास्ता या फिर चिंता करना. एग्जाम्पल देखिए, माई प्राइम कंसर्न इज टू प्रोटेक्ट माई फैमिली. माई प्राइम कंसर्न इज टू प्रोटेक्ट माई फैमिली यानी मेरी प्रमुख चिंता यानी जो मेरी मेन कंसर्न है, जो मेरा अपने परिवार की रक्षा करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है. नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर, प्रभाव या प्रभुत्व या प्रभाव डालना. एग्जाम्पल देखिए, हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन. हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन यानी उसके प्रभाव ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया. नेक्स्ट वर्ड है थ्रू आउट. थ्रू आउट का मतलब होता है शुरू से अंत तक या के दौरान में या सब जगह है या फिर चारों तरफ. एग्जाम्पल, ही शोड ग्रेट पेशेंस थ्रू आउट हिज इलनेस. ही शोड ग्रेट पेशेंस यानी उन्होंने बहुत धैर्य दिखाया थ्रू आउट हिज इलनेस अपनी बीमारी के दौरान. उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान बहुत धैर्य दिखाया. ही शोड ग्रेट पेशेंस थ्रू आउट हिज इलनेस. नेक्स्ट वर्ड है रिलेट. रिलेट का मतलब होता है संबंध रखना, नाता रखना या फिर हमदर्दी प्रकट करना. एग्जाम्पल, व्हाट ही सेड डिड नॉट रिलेट टू द फैक्ट. व्हाट ही सेड डिड नॉट रिलेट टू द फैक्ट यानी उन्होंने जो कहा वो तथ्यों से संबंधित नहीं था, फैक्ट से रिलेट नहीं कर रहा था. नेक्स्ट वर्ड है कैलिबर. कैलिबर का मतलब होता है क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य, बुद्धि या फिर मानसिक शक्ति. एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर. ही इज अ डॉक्टर ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर यानी वो उच्चतम योग्यता का डॉक्टर है. हाईएस्ट कैलिबर है उस डॉक्टर में, बहुत ज़्यादा क्षमता है या बहुत ज़्यादा योग्यता है. नेक्स्ट वर्ड है फर्म. फर्म के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. एक मीनिंग होता है व्यवसाय या एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कंपनी होती है व्यापारिक, उसे हम बोलते हैं फर्म. और इसका सेकेंड मीनिंग होता है दृढ़, अटल, मजबूत या फिर कठोर. एग्जाम्पल देखिए, आर फर्म नीड्स मोर पीपल ऑफ योर कैलिबर. आर फर्म नीड्स मोर पीपल ऑफ योर कैलिबर यानी हमारी कंपनी या संस्था को आप जैसी क्षमता के और लोगों की ज़रूरत है. यहाँ पे कैलिबर भी यूज़ हुआ है, तो योर कैलिबर यानी आपकी क्षमता के और लोगों की ज़रूरत है हमारे फर्म को. और एक कठोर के रूप में यूज़ होता है कि उसने बहुत फर्म डिसीजन लिया. शी टुक अ फर्म डिसीजन यानी उसने बहुत मजबूत निर्णय लिया. इस तरीके से फर्म अलग अलग तरीके से यूज़ होता है. नेक्स्ट वर्ड है रेज. तो रेज के भी मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं. पहला मीनिंग होता है वेतन वृद्धि यानी आपकी सैलरी में इंक्रीज होने को हम रेज बोलते हैं, या उठाना या बढ़ाना. या इसका नेक्स्ट मीनिंग होता है पाल पोस कर बड़ा करना, उसको हम रेज बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए, शी इज रेज्ड बाय अ रेप्यूटेटेड फैमिली. शी इज रेज्ड बाय अ रेप्यूटेटेड फैमिली यानी उसकी परवरिश एक प्रतिष्ठित परिवार ने की है, वो एक प्रतिष्ठित परिवार द्वारा रेज हुई है. नेक्स्ट वर्ड है रिमेन. रिमेन का मतलब होता है रहना, बाकी बचना, बने रहना, बच जाना या फिर अवशेष. एग्जाम्पल, द शॉप्स विल रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स. द शॉप्स विल रिमेन क्लोज्ड यानी जो शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी या बंद बने रहेंगी त्यौहार के दौरान. The shops will remain closed during the festivals. त्यौहार के दौरान दुकानें बंद रहेंगी. Next word है barely. Barely का मतलब होता है मुश्किल से या कठिनाई से या नाम मात्र को. Example, he could barely read and write. He could barely read and write. यानी वो बहुत मुश्किल से पढ़ लिख सकता था. Barely read and write. Next word है so called.
सो कॉल्ड बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज होता है, तो सो कॉल्ड का मतलब होता है तथा कथित या माना हुआ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, योर सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड यानी आपका तथा कथित बेस्ट फ्रेंड यानी जिसे आप मानते हैं बेस्ट फ्रेंड बट वो इन एक्चुअल आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तथा कथित। ये ज्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, योर सो कॉल्ड फ्रेंड इज कॉलिंग यू, योर सो कॉल्ड फ्रेंड इज कॉलिंग यू यानी आपका तथा कथित दोस्त आपको बुला रहा है, यानी आप उसे फ्रेंड मानते हैं बट वो आपका फ्रेंड नहीं है, तो नेगेटिव सेंस में सो कॉल्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा, मांग, अनुरोध या तकाजा या फिर दृढ़ कथन, इसका मतलब होता है क्लेम। एग्जाम्पल देखिए, द वर्कर्स क्लेम दैट दे हैव नॉट रिसीव्ड देयर पेमेंट। द वर्कर्स क्लेम यानी ये वर्कर्स का या श्रमिकों का दावा है दैट दे हैव नॉट रिसीव्ड देयर पेमेंट यानी उन्हें उनका भुगतान नहीं मिला है। नेक्स्ट वर्ड है अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना, मनोरंजन करना, आनंद देना या फिर शांति देना। एग्जाम्पल, आई ऑफन अम्यूज माई सेल्फ बाई रीडिंग। आई ऑफन अम्यूज माई सेल्फ बाई रीडिंग यानी मैं अक्सर पढ़कर खुद को खुश कर लेता हूँ। आई अम्यूज माई सेल्फ, मैं खुद को आनंदित कर देता हूँ या फिर खुश कर देता हूँ या शांति देता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है समवॉट। समवॉट का मतलब होता है थोड़ा या फिर कुछ कुछ। एग्जाम्पल, आई वॉज समवॉट सरप्राइज टू सी हिम। आई वॉज समवॉट सरप्राइज टू सी हिम यानी मैं उसे देख कर कुछ हैरान था। नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पर, स्पष्ट रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से यानी जो चीज़ साफ है, जो दिख रही है, जो सबको पता है, अपेरेंटली। एग्जाम्पल, अपेरेंटली यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। अपेरेंटली यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क यानी जाहिर है आपने बहुत काम किया है, यानी दिख ही रहा है कि आपने बहुत काम किया है। नेक्स्ट वर्ड है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में या फिर के विषय में। Example, you can ask your queries regarding this project. You can ask your queries regarding this project. यानी इस project के बारे में या इस परियोजना के बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपने question या queries पूछ सकते हैं। Next word है immediately. Immediately का मतलब होता है तुरंत, फौरन, झटपट या फिर उसी समय। Example, he lay down and was asleep immediately. He lay down and was asleep immediately. यानी वो लेट गया और तुरंत सो गया। Was asleep immediately. Next word है recently. Recently का मतलब होता है हाल ही में या फिर अभी अभी। Example, recently I have started to do walking and cycling. Recently I have started to do walking and cycling. यानी हाल ही में, मतलब अभी अभी मैंने चलना और साइकिल चलाना शुरू किया है। Next word है attempt. अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश या फिर कोशिश करना या प्रयास करना या फिर प्रयास या प्रयत्न। एग्जाम्पल, शी क्लियर द एग्जाम इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। शी क्लियर द एग्जाम इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट यानी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, अपनी पहली कोशिश में ही उसने परीक्षा पास कर ली। नेक्स्ट वर्ड है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, निश्चित, विशेष, खास या फिर तफसील। स्पेसिफिक। Example, be more specific about what you want to do. Be more specific about what you want to do. यानि आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में अधिक निश्चित बने, specific बने, आपको क्या चाहिए या क्या करना चाहते हैं आप। Next word is specify. Specify का मतलब होता है अपनी बात को साफ तौर पर सामने रखना या स्पष्ट रूप से बताना या डिटेल में विस्तृत जानकारी देना, उसको हम बोलते हैं specify करना। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज स्पेसिफाई व्हाट यू वांट टू से। प्लीज स्पेसिफाई व्हाट यू वांट टू से यानी कृपया बताएं, यानी थोड़ा डिटेल में बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज स्पेसिफाई व्हाट यू वांट टू से। नेक्स्ट वर्ड है पार्शियलिटी। पार्शियलिटी का मतलब होता है पक्षपात, भेदभाव या फिर तरफदारी। एग्जाम्पल, ही जज द केस विदाउट पार्शियलिटी। ही जज द केस विदाउट पार्शियलिटी यानी उन्होंने पक्षपात के बिना मामले का न्याय किया, यानी उन्होंने किसी भी एक इंसान का साथ नहीं दिया, पक्षपात नहीं की, तरफदारी नहीं की, सही सही डिसीजन लिया। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। परसुएड का मतलब होता है मनाना, समझाना बुझाना या यकीन दिलाना या फिर राजी करना। एग्जाम्पल, आई फेल्ड इन माई अटेम्प्ट टू परसुएड हर। I failed in my attempt to persuade her. यानी मैं उसे मनाने के अपने प्रयास में असफल रहा, यानी मैं उसे राजी नहीं कर पाया, persuade करने में मैं उसे असफल।